हाय फ्रेंड्स, मैं सफीर रहमान और आप लोग देख रहे हैं आइए जानते हैं चैनल। आइए जानते हैं चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। NIOS में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है। क्या है वो बुरी खबर, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप NIOS के अंडर में 10वीं 12वीं या फिर कोई डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। बहुत सारे दोस्त ने मुझे कॉमेंट में बताया है कि हमें वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। जब तक आप लोग बेल बटन को प्रेस नहीं करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल बटन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को आने वाला हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के द्वारा फ्री में मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या है वो सनसनी खबर जो निकल कर आई है। लाइव हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में दिल्ली से ये खबर निकल कर आई है, लाइव हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। और यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, इंडिया MCI ने बुधवार को अपने लर्निंग स्कूल के छात्रों को बड़ा झटका दिया। NIOS ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से 12वीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट में शामिल होने से वंचित करने का फैसला किया। MCI के इस आदेश के बाद NIOS से पढ़ाई करने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटका गया है, जो मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने की सपना सजो रहे थे। यहाँ पे जिस तरह से बताई गई है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के MCI ने जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास की है NIOS के अंडर से, उन लोगों को एंट्रेंस एग्जाम में बैठने नहीं दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो बताई गई है कि जो छात्र मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका वाला न्यूज़ है। और यहाँ पर जो नीचे बताई गई है यहाँ पर इस लाइन पर कि ये खबर जब निकली थी कि बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिए जा रहे हैं, उसके बाद NIOS से एक नोटिस भेजी थी, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के MCI को एक नोटिस भेजी थी कि क्यों बैठने नहीं दिए जा रहा है NIOS के जो बच्चे, NIOS में जो बच्चे पढ़ाई की है उन लोगों को एग्जाम में क्यों बैठने नहीं दी जा रही है। इसके रिप्लाई में बताई है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के MCI ने बताई है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं NIOS में नहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, ज़्यादा जान रहे हैं। जो बच्चे NIOS में पढ़ रहे हैं वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि वो लोग क्लास नहीं करते हैं, ऑनलाइन में कितना पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए NIOS में पढ़ाई करने वाले बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिए जा रहे हैं, इस तरह से रिप्लाई दी गई है। क्या है, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI ने ये रिप्लाई NIOS को भेज दी गई है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस मामले में वो लोग बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद क्या फैसला निकलता है उस फैसले को इस सार्वजनिक कर देंगे और उसके बाद हम लोगों को पता चलेगी। तो बैठक करने के बाद क्या खबर निकल कर आती है हम लोगों को वो देखना है कि NIOS में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो लोगों को एग्जाम देने देंगे या नहीं देंगे। ये फाइनल रिजल्ट जब निकल कर आएगी मैं आप लोगों को बताऊँगा मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो से बने रहिए कि क्या होता है NIOS में पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने बच्चों के भविष्य, क्या वो एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसके लिए अभी हमें थोड़े दिन वेट करने पड़ेंगे, वो लोग बैठक करेंगे, बैठक करने के बाद ये सार्वजनिक कर देंगे कि NIOS में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।